अभी अपन बात करते हैं एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी के एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, जब हमने एक पॉइंट पढ़ा है, उसका जनरल ट्रेंड पढ़ा है कि जब हम पीरियड में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट? तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि अक्रॉस अ पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। अब एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड पीरियड का, लिखो फटाफट सेकेंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है, लिथियम, फिर यह है सेकेंड पीरियड। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली कैसा आना चाहिए, बढ़ रहा है, ऐसा आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसा होता है देखो, इसकी सबसे कम होगी, नो डाउट, साइज सबसे बड़ा है इसका। उसके बाद क्या करो, क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा, बोरॉन, फिर क्या आ जाएगा, बेरिलियम, फिर इसको एज इट इज लिख लो, फिर क्रॉस कर दो, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए था, लेकिन दो जगह डिफरेंस आ जाता है। और याद करने का तरीका भी बहुत इजी है, एक लिखा क्रॉस किया, एक लिखा क्रॉस किया, बाकी लिख दिया। सो लिखने का तरीका भी इजी है। अब रीजन की बात आती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इंटरचेंज हो रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। इधर देखो नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो ये हो गया हाफ फिल्ड, और ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, राइट? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज करने की चाहत नहीं रखेगा, अपनी स्टेबिलिटी को कोई क्यों खराब करेगा। तो क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। इसलिए ऑक्सीजन पहले आ गया, नाइट्रोजन बाद में। इधर देखो S में से 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या 2p में से, 2p में से पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था ना, है ना? और ये तो वैसे भी देखो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है, राइट? तो p में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, ज्यादा इजी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, लिख लेना इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके। ये कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला था ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आई, ये हो गई IE1, IE1 का ट्रेंड है। इसी पीरियड में अपन IE2 भी निकालने की कोशिश करते हैं, IE2 का मतलब है अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है? IE2 का मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थोड़ा सा एक मिनट लो और सोचो क्या ट्रेंड होना चाहिए। मतलब आपको ये सिचुएशन इमेजिन करनी है कि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है, है ना? तो देखो समझो, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो जैसे लिथियम है,
तो लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे एटम में। उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हीलियम के जैसा हो चुका होगा। 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s1 था ना, ये तो निकाल दिया, तो ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया ना। बोरॉन क्या बनेगा? बेरिलियम। बेरिलियम क्या बनेगा? लिथियम। कार्बन क्या बनेगा? बोरॉन। एक पहले शिफ्ट हो जाएंगे ना। ऑक्सीजन क्या बनेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या बनेगा? कार्बन। फ्लोरीन क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और नियॉन क्या बनेगा? फ्लोरीन। ये बन जाएंगे। बस आपको ये वाला ट्रेंड तो समझ में आ ही गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली लिखो। देखो सबसे पहले यहाँ कौन आ रहा है? नोबल गैस आ रही है ना, इनमें से नोबल गैस कौन सी दिख रही है? ये रही, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी। फिर कौन आ रहा है? फ्लोरीन। अब इस केस में फ्लोरीन कौन है? ये, तो ये आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद कौन आ रहा है? अब नाइट्रोजन कौन बन चुका है? ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन बना? तो फ्लोरीन आ जाएगा। ये लिखना है बस आपको, उसके अकॉर्डिंगली सेकंड आईई भी आ जाएगी। वो आपसे थर्ड पूछता है तो इसी तरीके से थर्ड भी निकल जाएगी। आप फ्लोरीन के बाद कौन, कहां तक पहुंचे थे हम? ऑक्सीजन तक। कहां तक पहुंचे थे? है ना। अब क्या आ गया? कार्बन। कार्बन कौन है? नाइट्रोजन। बेरिलियम कौन है? बोरॉन। बोरॉन कौन है? बोरॉन कौन है? कार्बन। लिथियम कौन है? बस ये लो। अरे यहाँ हीलियम मतलब यहाँ लिथियम आएगा ना। डन। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में कौन है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम, उसको छोड़ दो। डाउन द ग्रुप यूजुअल ट्रेंड क्या है आईई का? बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई कम होना चाहिए, लेकिन ट्रेंड ऐसा नहीं होता। इस ट्रेंड को बहुत इजीली आप एक डायग्राम से याद कर सकते हो। कौन सा डायग्राम है? हाँ नहीं, एक ग्राफ बना लेते हैं, उससे याद कर लेंगे। यहाँ पर ले लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पर ले लिया एटॉमिक नंबर। ग्राफ कैसा बनेगा? डब्ल्यू की शेप में, ठीक है, ऐसे। सीधा सीधा W मत बनाना, इस तरीके से बनाना है। यहां से क्या आ जाएगा? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। एटॉमिक नंबर वाइज आएंगे ना। अब देखो इसका पॉइंट यहां आएगा, इसका पॉइंट यहां आएगा, इसका ये आ गया, ये और ये।
सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी आ रही है? बोरॉन की. फिर किसकी आ रही है? थैलियम. फिर किसकी आ रही है? गैलियम. फिर एल्यूमिनियम. फिर इंडियम. ये हो गया इसका ट्रेंड. ठीक. अब ऐसा क्यों आगे पीछे हो रहा है? ऐसा आगे पीछे क्यों हो रहा है? थोड़ा सा सोचो. रीजन तुम्हें पता है? हाँ, लैंथेनाइड. ये तो हो रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ये हो रहा है, ये वाला जो पार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. साइज ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उस वजह से आईई भी ऊपर नीचे हो रही है. तो आप बहुत इजीली इस डायग्राम से इसको याद कर लो. ठीक है. अब बात करते हैं डी सीरीज की. तो डी सीरीज में 3D सीरीज की आईई 4D से ज्यादा होती है और फिर 4D से ज्यादा 5D की होती है. ये याद रखना है आपको. 3D और 5D दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D से ज्यादा होगी. ठीक. लेकिन ये कहां फॉलो नहीं होगा? मतलब एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है. ये कहां फॉलो नहीं होगा? ग्रुप 5, 6 और 10 में फॉलो नहीं होगा. इसलिए मैं कह रही हूं बार बार टेबल याद करो, टेबल याद करो. तुरंत ग्रुप 5 लिखते ही दिमाग में आना चाहिए ग्रुप 5 में कौन है? हैं? वेनेडियम. है ना? शुरुआत किससे हो रही है? 3D का कौन है? ये हो गया 3D, ये हो गया 4D और ये हो गया 5D. तो 3D में कौन आ रहा है? फिफ्थ ग्रुप में. थर्ड ग्रुप से शुरू हो रहा है ना डी ब्लॉक. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. वेनेडियम के नीचे नहीं बेटा, क्रोमियम तो आगे आएगा ना. उसके नीचे नायोबियम. उसके नीचे TH नहीं है. TH तो TA, टैंटलम. ये तो क्या हो गया? ग्रुप 5. ग्रुप 6 बताओ क्या है? इसके जस्ट आगे वाला हो जाएगा क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन. टंगस्टन नहीं, टंगस्टन. जैसे जिंक नहीं था, क्या था? जिंक. वैसे ही टंगस्टन नहीं है वो, टंगस्टन. ठीक है. चलो टेंथ. टेंथ ग्रुप बेटा मैंगनीज तो इसके बाद सेवेंथ में है. नहीं, निकल. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. याद करो टेबल. अब तो बहुत सारी क्लासेस हो गई, अब तो याद हो जानी चाहिए. मतलब गुस्सा आ जाएगा फिर किसी दिन. तो इनमें ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं होगा. इनमें क्या ट्रेंड फॉलो होगा? 3D से ज्यादा 4D से ज्यादा 5D. ये ट्रेंड फॉलो होगा इन तीनों में. बाकी इन तीन को छोड़कर जितने भी डी ग्रुप हैं उन सब में ऊपर वाला ट्रेंड फॉलो होगा. ये आपको लर्न करना है एज इट इज. डोंट गेट इनटू द रीजन. इनऑर्गेनिक पढ़ा करो रात को सोने के पहले और पढ़ के सो जाया करो. या दिन में सपोज तुम्हें नींद आ रही है तब पढ़ो इनऑर्गेनिक और सो जाओ. जैसे डॉक्टर बोलता है ना, दवाई खाओ और सो जाओ.
तो कोई भी छोटा सा पार्ट उठा लिया, जैसे आपने लेट्स से एटॉमिक रेडियस, रात को सोने के पहले एक बार एटॉमिक रेडियस पढ़कर आप सो गए, आपको ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा रिकॉल करने में इजी रहेगा। ठीक है, कोई भी थ्योरेटिकल चीज है, जैसे बायो, कोई भी थ्योरेटिकल चीज है, जब उसको पढ़ो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे, पढ़ो और सो जाओ। न्यूमेरिकल में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती हमें, लेकिन थ्योरी अगर आपको कुछ ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और तुमने 5 बार कोशिश कर ली फिर भी लर्न नहीं हो रहा, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे। तुम तो बायो के हो, तुम्हें तो ब्रेन का पूरा फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है ना। जैसे ब्रेन को साउंड समझ में, उसको इमेजेस समझ में आती है। अगर यही लेक्चर मैं बोल बोल के दूंगी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। लिखते क्यों है, दिख रहा है ना, इमेज बन रही है ना आंखों में। या कोई मूवी देखते हो तो मूवी कितनी बढ़िया तरीके से तुमको याद रहती है और सालों तक याद रहती है। मतलब मैं तुमसे पूछूं तुम बोलोगे हाँ मैम तब देखी थी पर मुझे ये याद है, डायलॉग याद होते हैं, उसके सीन याद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप देख रहे होते हो। कोई तुम्हें आकर डॉक्यूमेंट मतलब मूवी सुना दे तो वो तुम्हें उतने अच्छे से याद नहीं रहेगी। तो जब हम देखते हैं ना इमेजेस, वो हमारे ब्रेन को ज्यादा समझ में आती है, और वो जब समझ में आती है तो दिमाग में ठहर जाती है, राइट? इसलिए कुछ भी थ्योरेटिकल आपको पढ़ना हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, कि अगर आपको कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ना हो पढ़ो और सो जाओ। नींद जब आ रही है ना उसके पहले पढ़ लो, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज है जो आपको याद नहीं हो रहा, पढ़ के सो जाओ। डू दिस, ठीक है? चलो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अपन। इसमें भी अपन डी सीरीज की बात करेंगे, लेकिन 3D सीरीज की बात करेंगे, पीरियोडिकली लेफ्ट टू राइट। लिखो फटाफट डी सीरीज, 3D सीरीज लिखो। लिखी हुई है वैसे तो कहीं? नहीं लिखी हुई, चलो लिख देते हैं। क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, हाँ सॉरी हाँ, और फिर जिंक। तुम्हारा जिंक निकाल दूंगी मैं, जिंक। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं इनकी। अभी ये पीरियड में है, पीरियड में अरेंज है ना, तो पीरियड में आईई बढ़ती है, बढ़नी चाहिए। देखो कहां बढ़ रही है, यहां बढ़ रही है, लेकिन फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर कम होगी फिर बढ़ेगी। यानी क्या ध्यान रखना है आपको? 2 और 3, 6 और 7, 7 और 8। यानी 2, 6, 7 पे रिवर्स करना है, बाकी नॉर्मल बढ़ती बढ़ती बढ़ती। अब आप इसको अरेंज करके कोई सेंटेंस बनाकर लर्न करना चाहो वो आपकी मर्जी है। मुझे ये ऐसे याद रहता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया, ठीक है? ये मुझे डायग्राम से याद रहता है हमेशा, ये तो मतलब आंखों में बस चुका है डायग्राम, और ये नंबर्स मुझे याद रहते हैं, ये नंबर्स मुझे याद रहते हैं। तो मुझे नंबर ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लर्न किया है। आप चाहो तो इनको अरेंज कर लो भाई, स्कैंडियम के बाद क्या आ जाएगा? वेनेडियम, फिर क्या आ जाएगा? टाइटेनियम, और फिर उसका कोई सेंटेंस अपना खुद बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो अपन एज इट इज लिखते हैं। मैं रीजन आपको समझाऊंगी उसका। सपोज आपको कंपैरिजन करना है के के प्लस सी यू सी यू प्लस में, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको कंपैरिजन करना है। के और के प्लस में से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? के और के प्लस में से किसकी ज्यादा होगी?
के प्लस की, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही Cu और Cu प्लस में Cu प्लस की ज्यादा होगी, ये तो पता चल गया। अब थोड़ा सा सोच के बताओ K और Cu में किसकी ज्यादा होगी, तुम्हें आता है K और Cu? टेबल में देखो या सोचो, टेबल याद नहीं तो टेबल खोल के बैठो। K कहाँ है, Cu कहाँ है? ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, कैसे है? K और Cu दाएं बाएं हैं या ऊपर नीचे हैं, कैसे हैं? दाएं बाएं हैं ना, है ना, इन अ पीरियड है। तो इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना, तो इसका मतलब Cu की ज्यादा होगी। यहां तक तो पहुंच गए। एक कंपैरिजन किसका करोगे, K प्लस और Cu प्लस का? ये थोड़ा समझने वाली बात है। K प्लस और Cu प्लस दोनों यूनिपॉजिटिव हैं, दोनों यूनिपॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इनका जो रीजन आता है वो इनके कॉन्फ़िगरेशन से आता है। जो K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा होगा, आर्गन के जैसा होगा, पोटेशियम 19 आर्गन के जैसा होगा। कैसा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। भाई इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 18 बचे ना, ये काउंट करो 18 इलेक्ट्रॉन्स है। और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है, आर्गन है, यानी नोबल गैस। तो K प्लस का कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह, नोबल गैस की तरह, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है इसका, 3d10 4s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है, 3d10 4s1। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब ये प्लस बनेगा, राइट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 3p6 तक तो यहां तक चल रहा है, 3p6 तक तो एज इट इज चलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3d10। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, समझो, आउटर मोस्ट शेल में, ये शायद तुमने एटॉमिक में नहीं पढ़ा ना अभी तक, नहीं पढ़ा ना, समझो, आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी ना किसी नोबल गैस जैसा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, लास्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी नोबल गैस जैसा होगा। यानी ये वाला कैसा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब लास्ट शेल में, भाई 8 तो ये रहे, इसमें 10 और हैं, यानी कितने हो गए, 18। 18 इज ऑल्सो मैजिक नंबर, याद है। तो अगर लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, पर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना बोलकर हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो में पी क्यों लिखा है मैम, स्यूडो बोल रहे हो और पी लिख रहे हो, स्पेलिंग क्या है? हाँ तुम्हें तो पता होगा ना, अमीबा के स्यूडो पोडिया, पोडिया मतलब आर्म्स और है ना लिम्ब्स, सो पोडिया मतलब लिम्ब्स और स्यूडो मतलब फॉल्स, तो उसके फॉल्स हाथ पैर हैं। मैंने बायो पढ़ी है, बायो पढ़ाई है, आई हैव डन माय फर्स्ट मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, देन मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ज़्यादा बायो है, मुझे अभी भी बायो बहुत पसंद है। तो स्यूडो मतलब फॉल्स, एग्जैक्टली वो ना होकर उसके जैसा। तो एग्जैक्टली तो कैसा होना चाहिए, इनके जैसा होना चाहिए, नोबल गैस जैसा, पर ये नोबल गैस का ना होकर स्टेबल तो है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है, ये इन दोनों में से अगर कंपेयर, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ज्यादा स्टेबल कौन है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर K ज्यादा स्टेबल है, ये K प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ये रेजिस्ट करेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो K प्लस भी स्टेबल है और Cu प्लस भी स्टेबल है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है, K प्लस, और इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो जाएगी, K प्लस की। तो इन दोनों में कौन हो गया, ये। अब इनका ऑर्डर देखो, अब ऑर्डर बताओ इनका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा, बेटा K से भी ज्यादा तो K प्लस है ना, अपन सबसे ज्यादा से कम,
घटते हुए क्रम में आपको इन चारों को K प्लस, फिर सी यू प्लस, बहुत बढ़िया, फिर सी यू, फिर K। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी डाउट है पूछ लो। भाई प्लस वालों की तो ज्यादा रहेगी न्यूट्रल से, और दोनों प्लस में से ज्यादा किसकी है, के प्लस की, और सी यू और के में से किसकी ज्यादा है, सी यू की, क्योंकि ये दोनों पीरियड में अरेंज्ड है। सारे पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पर हैं, एक बार सब पे नजर मार लो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा पूछ लो दोबारा। टेस्ट का मैं बता चुकी हूं कि संडे वाले टेस्ट में आयनिक रेडियस तक आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, आयनिक रेडियस तक ही आएगा। कोई भी डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पहले हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा, फिर हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, फिर हमने आयनिक रेडियस पढ़ा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लिया, और अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है एफिनिटी का मतलब? एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन। किसकी तरफ अट्रैक्शन है भाई? इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो जहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे एटम के, अब आप एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ऑपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, इसमें क्या करेगा? एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा, यानी इसमें एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? कोई भी एटम है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, अब घूमता घूमता कोई उसके आसपास क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसको अट्रैक्ट करेगा, कोई ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई कम अट्रैक्ट करेगा, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ना भाई, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं अट्रैक्ट करने वाले, उसका साइज कितना है, उसके अंदर ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देंगे, वो रिपेल करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स से डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और कौन कम, पर ये जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, गेन करने की जो टेंडेंसी है, वो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन, क्या लिखें, आइसोलेटेड गैशियस एटम, जैसे आईई में लिखा है, क्योंकि हम एक एटम की प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम क्या करने की, टू गेन या टू अट्रैक्ट, अ फ्री लिखो या कोई भी लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रॉन, अ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, बाहर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उस एटम की, वो उसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, यानी एनायन बन जाएगा, है ना। इधर क्या बन रहा था, आईई में लूज करके केटायन, यहां गेन करके क्या बन जाएगा, एनायन। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब सोच के बताओ, जैसे एनर्जी का इसमें पढ़ा था ना भाई, आपने बताया था कि मैम जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, याद है, इसमें एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, इसकी डेफिनेशन में भी अपन ने वैसे ही लिखा है, इसका मुझे बताओ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, या कुछ भी हो सकती है,
दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ऐसा सोचो। रिलीज हमेशा, अच्छा नोबल गैस का केस छोड़ दो भाई, वो तो ना गेन करना चाहते ना लूज करना चाहते, उनकी तो जीवन जीने की चाह ही खत्म हो गई है ना, उनको छोड़ दो। बाकी एक नॉर्मल एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं, सपोज अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी रिलीज करेगा या उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? देखो एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। उस बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करनी पड़ेगी एटम के अंदर आने के लिए, है ना। तो जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बाहर निकल के चली जाएगी, ठीक। तो सपोज हमारे पास, ये बात अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एटम है एक्स, ये न्यूट्रल है, ठीक। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये गैसियस है ना, याद रखना, ये क्या बन गया एक्स माइनस। कैसे किया भाई, इसके अंदर न्यूक्लियस था, उसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया अट्रैक्ट, इस इलेक्ट्रॉन को इतना जोर से अट्रैक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बाहर निकाल दी, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कोई ई अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज हो गई। अब सपोज इसको एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना है, भाई ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल नहीं है ना, उसको तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने है। अब गेन कौन करेगा, ये अब गेन कौन करेगा, ये एक्स माइनस। क्या नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर पाएगा, माइनस माइनस। न्यूक्लियस तो अभी भी है इसमें, ऐसा ना न्यूक्लियस बाहर निकल गया, पर ये खुद ओवरऑल क्या बन गया, माइनस। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, रिपेल। अब आपको जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डालना पड़ेगा, यहां पर एनर्जी लगेगी, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर ये क्या बन गया, ई टू माइनस। सपोज ये नाइट्रोजन जैसा कोई एटम है जिसको तीन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है स्टेबल होने के लिए, तो फिर ये ई टू माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन। अब इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया तो अभी और रिपेल कर रहा है, अब आपको और ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाकर ये अपनी नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जैसे आईई हमेशा रिक्वायर्ड होती है, इस केस में एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होगी, फर्स्ट स्टेप में रिलीज होगी और उसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं उन सब में रिक्वायर्ड होगी। जैसे सपोज ये वाला जो एटम है ये क्लोरीन जैसा कोई होता या फ्लोरीन जैसा कोई होता जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहा है, तो इसका ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता, क्योंकि इसमें तो एक ही स्टेप हो रहा है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो ये ओवरऑल इस प्रोसेस में क्या करेगा, एनर्जी को लूज रिलीज करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसा कोई है तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जैसे वहां लिखा था IE1, IE2, IE3 लिखा था ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, यहां पर देखो ये टेंडेंसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो जोर से खींच रहा है कम जोर से खींच रहा है, इस टेंडेंसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो एनर्जी चेंज इसमें आ रहा है इसको हम टर्म देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, लास्ट क्लास में बताया था। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3, तो इनको को क्या बोलेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ये नेगेटिव होगी जब एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो हम उसको क्या साइन देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि वो सिस्टम में से बाहर निकल रही होती, माइनस हो रही होती। तो ये वाली तो कैसी होगी, माइनस, ये वाली कैसी होगी, प्लस, ये वाली कैसी होगी, और ज्यादा प्लस, मोर पॉजिटिव। तो जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती हैं, IE1 कम है,
आई टू ज्यादा है, आई थ्री और भी ज्यादा है, वैसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज भी बढ़ेंगी। नेगेटिव से शुरू होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, ऐसे होती चली जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो ये जो E1, E2, E3 यानी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। दे आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो E1 कम होगी और ये नेगेटिव होगी, फिर E2 ज्यादा होगी, ये पॉजिटिव होगी, फिर E3 और ज्यादा पॉजिटिव होगी, मोर पॉजिटिव। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कितना जोर से अट्रैक्ट कर रहा है, ये टेंडेंसी, ये कैपेसिटी तो हो गई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। और इस पूरे में जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा जोर से वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सोच के बताओ, जितनी ज्यादा जोर से एटम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। जितनी जोर से वो उसको खींचेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। यानी अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी, ज्यादा रिलीज होगी ना। रिलीज होने के लिए हम क्या साइन लगा रहे हैं? नेगेटिव। ज्यादा रिलीज हो रही है यानी मोर नेगेटिव होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा एफिनिटी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स वैसे ही रहेंगे जैसे एनर्जी के, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, है ना, किलो कैलोरी पर मोल हो गया, किलो जूल पर मोल हो गया, इनका रिलेशनशिप भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलें आगे, बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अपने आप सोच के बताना। पहला फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि यही तो पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को ही तो खींचना है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली एफिनिटी भी ज्यादा होगी। सोच पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, सेकंड फैक्टर, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ज्यादा होगी। मेरे एक्सप्रेशन से अपना आंसर चेंज मत करो,
कॉन्फिडेंस रखो अपने आंसर पे। तुम तो कुछ भी बोलोगे बोलोगे अच्छा, फिर तुम कुछ बोलोगे अच्छा, तो मेरे अच्छा अच्छा चलते ही रहेंगे, है ना। कॉन्फिडेंस रखो, लॉजिकली सोचो ना, अगर एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। समझ में आ रहा है? यस। तो अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये भी तुम अपने आप सोच सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आईई वाला पॉइंट याद करो, अगर किसी का कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, अगर किसी का कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, यानी वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन में है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उसकी कम होगी, नहीं होगी ये नहीं बोलेंगे लेकिन कम होगी, ठीक है। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो कि ज्यादा स्टेबल है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कम। क्लियर। अब इन फैक्टर्स के बेसिस पर अपन क्या देख लेते हैं? जनरल ट्रेंड, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे पहले अक्रॉस अ पीरियड, सोचो अक्रॉस अ पीरियड, यानी जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, जब जनरल ट्रेंड डिसाइड करना हो तो साइज को देखो। जब जनरल ट्रेंड आपको किसी भी प्रॉपर्टी का डिसाइड करना है तो आप साइज, एटॉमिक रेडियस को याद करो। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो एटॉमिक साइज, बेटा मेरे बेटे ऐसी बातें नहीं करते, डिप्रेशन हो जाएगा मुझे ऐसी बात सुनकर। कांस्टेंट थोड़ा रहता है एटॉमिक साइज, है कितना? डिक्रीजिंग कि इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया। एटॉमिक साइज कम होता है यानी एटम छोट, पास मत, पास थोड़े ना आते हैं, एटम छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी बढ़ेगी। छोटा हो रहा है ना साइज, तो साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। भाई इसको ऐसे समझो ना, एक ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक एटम हो गया, ठीक है, और दूसरा एटम जो है इससे बड़ा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इससे बड़ा हो गया, दोनों के सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, डिस्टेंस यहां कम है ना, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो जब आप अक्रॉस अ पीरियड चलते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है। चलो डाउन द ग्रुप सोचो, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। मेरे साथ रह रहकर समझदार तो हो गए हो तुम लोग। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ये तो है जनरल, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कह रही हूँ ना बहुत ही ज्यादा समझदार हो गए हो तुम लोग मेरी छत्र छाया में रहकर, जो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे, है ना। चलो एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सेप्शंस एंड
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला आपको जो पॉइंट याद रखना है वो इस एंड से रिलेटेड है। जब आप अक्रॉस अ पीरियड चलते हो तो चलते 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 एक दिन आप कहाँ पहुंच जाते हो, नोबल गैस पे। तो हम कह रहे हैं चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, लेकिन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई और वो लगभग हम जीरो मानते भी, वो तो अट्रैक्ट ही नहीं करता है ना भाई। अट्रैक्ट तो करेगा, उसके अंदर भी बेचारे के अंदर दिल है, मतलब न्यूक्लियस है, तो प्यार तो उसके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन के लिए, पर वो अपने कॉन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, लेकिन लगभग क्या होती है, जीरो। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, सोचो ना नोबल गैस में भी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ऊपर, मतलब ऊपर नीचे होती रहेगी ना, साइज के बेसिस पर भी तो ऊपर नीचे होगी। तो हम इसको लगभग क्या मानते हैं, जीरो। तो ये वाला जो ट्रेंड है ये कहां तक चलेगा, हैलोजन तक। वैसे भी ये वाला ट्रेंड भी कहां तक चल रहा था, हैलोजन तक, याद है। फिर नोबल गैस में जाकर सडनली साइज बढ़ रहा था, वैन डर वाल रेडियस याद आ गया। तो ये जो ट्रेंड है ये कहां तक चल रहा है, हैलोजन तक। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग क्या मानी जाएगी, जीरो। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 18, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस की ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो। सेकेंड पॉइंट, हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलेटेड है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू होगी, रिलेटेड है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से वैल्यू वाइज थोड़ी ज्यादा होती है। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, पर वो फॉर्मूला हो सकता है किसी एमसीक्यू में आ जाए, तो वो एज इट इज आप लर्न कर लेना, उस पर न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इन दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन, ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन। और जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, है ना, थोड़ा बहुत तो पहले का याद होगा। तो एंथैल्पी को एच से करते हैं, एंट्रोपी को एस से करते हैं, याद है। तो ये हो गया एंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज, क्या करने में, इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो हमने इसको डिनोट कैसे किया, डेल्टा एच ईजी किसके बराबर है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लिखते हैं ए ई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर क्या है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो पढ़ी PV=nRT, मतलब ये तो बच्चे बच्चे को याद होती है, चाहे वो नीट दे रहा है चाहे जेई दे रहा है चाहे कुछ ही नहीं दे रहा, तो भी 5/2 RT, यहाँ में आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को आप बस एज इट इज याद कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो देखते ही आंसर टिक करना, ठीक है। ये दोनों टोटल क्या रहेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, है? वो क्या है, क्या अब वो से मैं क्या समझूं, ईजी इलेक्ट्रॉन गेन, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो ये है, ये इसके ऊपर, ऊपर मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसके ऊपर, अच्छा ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये शॉर्ट में लिखा था मैंने, ये इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई हम बोल रहे हैं ना जितनी ज्यादा होगी ये भी उतनी ज्यादा होगी, पर बराबर वैल्यूज नहीं होती, वैल्यू वाइज ये थोड़ी सी ज्यादा होती, मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा है ना, नहीं रिलेटेड है ना, जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी, रिलेटेड है ना, तो ये रिलेशन ही रहा।
इन दोनों में रिलेशन ही तो है, ये है ना। और इसको अगर आप समझोगे तो इसकी वैल्यू इससे क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी दोनों एडिटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा वैल्यू वाइज। मतलब आप ये नहीं लिख सकते हो, बराबर नहीं लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, इसका डिफरेंस है, और इस वजह से ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होती है। ठीक है, इसके साथ एक वार्निंग है, कोई न्यूमेरिकल ट्राई हमें नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इसको याद करना है। चलो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अब किसी भी पीरियड में अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड डिसाइड करना है, क्योंकि ये तो जनरल ट्रेंड है। अब सपोज मैं आपसे पूछ लूं, लेट्स से कि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, कौन बेटा, ये हाफ फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड है, ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है रेस, और ये पीरियड में ऐसी प्लेस्ड है ना, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, और पीरियड में तो इंक्रीज हो रही है, तो ये भी देख सकते थे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये कहीं कहीं तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा, लेकिन बहुत जगह नहीं होगा। तो आप एक जनरल सीक्वेंस याद रखो, सबसे ज्यादा पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ग्रुप 17 की, यानी हैलोजन्स की। हैलोजन के बाद आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 के बाद देखो, अगर मैंने आपसे कंपैरिजन करवाया होता कार्बन और नाइट्रोजन का, अब सोच के बताओ किसकी ज्यादा होगी। मैं बता देती हूँ, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है 6, यानी ये पहले आ रहा है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, ये बाद में आ रहा है, यानी ये इस तरफ ऐसे चल रहे हैं। किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, पीरियड में जब आप चलते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, होनी किसकी चाहिए, पर ये हाफ फील्ड है, ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, ये तो हो गया 2p3 बेटा, और ये क्या हो गया 2p2, ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, कौन जल्दी गेन करेगा, ये ट्रेंड उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन की ज्यादा, क्योंकि पीरियड में चल रहे हो आप लेफ्ट टू राइट, और नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन किसकी हो गई, इसकी। तो 16 के बाद 15 ना कर, ये ग्रुप 15 है और ये ग्रुप 14 है, 15 ना कर कौन सा ग्रुप आएगा, 14, ठीक है, फिर 14 के बाद आएगा 15, और 15 में लिख लेना एक्सेप्ट नाइट्रोजन, अभी बताती हूँ क्या है एक्सेप्ट नाइट्रोजन, फिर 15 के बाद, यहां नीचे लिख रही हूं मैं 15, यहां तक 15 तक पहुंच गए थे, 15 के बाद आएगा 13, 13 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 18। अब आपको किसी फैक्टर को सोचना ही नहीं है, बड़ा है छोटा है, जनरल ट्रेंड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नहीं, ये फॉलो करो 17, 16, 14, 15, 15 के बाद 13, 1, 2, 18, भाई नोबल गैस की तो सबसे कम होगी, ठीक। अपन इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल लेंगे सेकंड पीरियड का, एक लेंगे थर्ड पीरियड का, फटाफट लिखो सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखो, लिथियम से शुरू हो रहा है, ग्रुप लिखे, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1, ये 13 है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है।
अब वो सीक्वेंस देखना है, लेकिन वो एक्सेप्ट नाइट्रोजन वाली बात समझा रही हूँ मैं आपको, एक्सेप्ट नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन आ रहा है ना, ये रहा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, ग्रुप 17, ये लिख दिया। फिर किसकी है? 16। फिर बहुत बढ़िया, अब आना चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन मैंने वहां क्या लिखा है? एक्सेप्ट नाइट्रोजन, छोड़ दो, आगे बढ़ो, बोरॉन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम। अब दो बच गए, एक बचा नाइट्रोजन, एक बचा नियॉन। किसकी ज्यादा, नियॉन और नाइट्रोजन में किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी? नियॉन और नाइट्रोजन में से किसकी एफिनिटी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, क्योंकि नियॉन तो बिल्कुल ही नोबल गैस है, फुल फिल्ड है ना। तो अब क्या लिखोगे आप? नाइट्रोजन, और फिर क्या लिखोगे? नियॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब थर्ड पीरियड समझो, ये तो कौन सा था? सेकेंड पीरियड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब थर्ड पीरियड की बात करो, लिखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स कहां से शुरू हो रहा है? सोडियम से आर्गन है ना, लिखो फटाफट। हाँ, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया। हाँ बस, क्लोरीन आर्गन, बस। ग्रुप लिखे, ये फर्स्ट 13, क्या इसमें नाइट्रोजन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, वो सीक्वेंस एज इट इज फॉलो करनी। तो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस लिखा है वहां पर, कौन सा ग्रुप लिखा है? 14 लिखा है ना, सिलिकन, फिर 15 फॉस्फोरस, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आर्गन। अगर फोर्थ पीरियड होता तो भी यही सीक्वेंस फॉलो होती, सिर्फ फर्स्ट पीरियड में आपको नाइट्रोजन वाले केस में याद रखना पड़ेगा। तो आप दिमाग ही नहीं लगाना कौन आगे है, कौन पीछे, किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसका साइज बड़ा है। जनरल ट्रेंड वो हो गया दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए, और असली ये हो गई, दिखाने के और खाने के। और क्या ये समझ में आया? आगे बढ़े, कौन से पॉइंट पर आ गए हम? थर्ड। चलो फोर्थ पॉइंट लेते हैं, लिख रहे हो ना साथ साथ? हाँ, क्या हुआ? कोई तकलीफ, दुख, तकलीफ नहीं? मुझसे बोलो ना, मुझसे बात करो, क्या है बताओ, हो गया? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड बात करेंगे, कहाँ गया? ग्रुप, ग्रुप से रिलेटेड। अभी तक पीरियड से रिलेटेड बात कर रहे थे, अपन ग्रुप से रिलेटेड बात करेंगे। ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है ना, ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। तो सपोज मैंने आपसे पूछा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे कौन है? क्लोरीन, ग्रुप में जा रहे हैं ना, क्लोरीन के नीचे आ गया ब्रोमीन, हाँ नहीं वो ठीक है, आयोडीन, ठीक है। चलो मैं इसको इधर लिखती हूँ, इधर है ना ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बाकी नीचे तो समझ में आ जाएगा। फ्लोरीन के पहले कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सिलीनियम, इसके पहले कौन है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। तो ये आप ग्रुप में मूव कर रहे हो ना, ग्रुप में मूव करने पर एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी? डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर
इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, और फिर इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। ये हमने एक्सपेक्ट किया था लेकिन ऐसा, ये तो बेचारे अच्छे, इनके साथ तो ऐसा है, ये गड़बड़ हो गए। ऐसा ना होकर ऐसा हो गया। बाकी नीचे सेम चलेगा, ठीक है, उसमें भी इसकी अपन अलग से बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी और गड़बड़ है, पर इन जनरल अगर बात करें तो ये हो गया सेकंड पीरियड और ये हो गया थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी सेकंड पीरियड एलिमेंट से, लेकिन इनकी ज्यादा है। तो अगर क्लोरीन फ्लोरीन में से पूछा जाए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने सितारे लगा सकते हो उतने लगा दो। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा है। रीजन समझो क्यों। एक ग्रुप में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे भाई, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसका कॉन्फिगरेशन सिंपल ही लिख दूं तो 27 हो जाएगा। इसका कॉन्फिगरेशन क्या है? 287। दोनों के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड शेल में है, और वही 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थर्ड शेल में है। थर्ड शेल थोड़ा सा बड़ा है। तुम्हारे हॉस्टल में रूम की कैपेसिटी 3 बच्चों की है, एक रूम में 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो वो कोशिश करेंगे तीसरा ना आए, भाई हम अपना जीवन जीते रहे मस्ती से, तीसरा ना आए। रेजिस्ट करोगे ना, रेजिस्ट करोगे ना। किसी का बड़ा रूम है और उसमें एक ही बच्चा है तो कहेगा कोई बात नहीं चला जा, मेरे को भी साथ मिल जाएगा। सेम वही केस इसके साथ है। दोनों के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज्यादा स्पेस में है, थर्ड शेल में, ठीक, और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स छोटी स्पेस में है, तो वैसे ही घुस घुस कर है, फंसे फंसे हैं। अब बाहर से एक और आने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, और ये उस इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एफिनिटी फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? क्लोरीन से कम। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फ्लोरीन में क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो क्या है? ज्यादा, और इसलिए इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? कम। लेकिन मैम अगर ऐसा है तो इनकी फिर इनसे ज्यादा होनी चाहिए थी। अगर मैं ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करूं तो इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके थर्ड शेल में, तो इसके फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल तो और बड़ा हो गया, उसमें तो और मस्ती से रह रहे हैं 7-7 इलेक्ट्रॉन, वो तो बहुत इजीली और लेंगे, तो ये तो ट्रेंड ही उल्टा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितना एटम बढ़ रहा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना कम होता जा रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर है ये इन दोनों में चलता है, उसके बाद काम नहीं करता क्योंकि साइज बहुत बढ़ चुका होता है, और साइज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो चुका होता है तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो फिर नॉर्मल चलता है। लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा है, तो फॉस्फोरस की ज्यादा है। देखो ना, फॉस्फोरस आगे आ रहा है और ये रहा नाइट्रोजन, वो बहुत पीछे चला गया नाइट्रोजन, सेकेंड ग्रुप के बाद चला गया, ये आ गया है। क्या रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? ठीक है, जैसे ही मैंने फिफ्थ लिखा बहुत सारे बच्चों के मन में आया, मैम कितने और पॉइंट्स हैं, है ना, आया ना, मैम कितने और पॉइंट्स हैं। तो अब बात करते हैं इस एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन की।
यानी ग्रुप 16 की। ये थोड़ा सा और अलग जा रहा है। कौन कौन है ग्रुप 16 में? और सबसे नीचे लिवर मोरियम, उसको छोड़ दो, एलवी उसको छोड़ दो। अब यही बात इसमें अप्लाई करें तो पहले तो एक ग्रुप में है, ग्रुप में है तो नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमने अभी पढ़ लिया भाई इसकी ज्यादा है, और फिर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। होना ये चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है ये, पर इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी कम हो जाती है कि वो यहां से उठकर इसके नीचे आ जाता है, बाकी ट्रेंड सेम रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसकी है? सल्फर, फिर सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे लास्ट में कौन आ गया? ऑक्सीजन। बस इस बेचारे की इतनी कम हो जाती कि ये नीचे चला जाएगा, ये याद रखना। बाकी तो लॉजिक वही है, लर्न करो। लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आता है ना, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। रीजन रीजन जानने की जरूरत नहीं है, आएगा तो सीधे ऑप्शन टिक करना है। अगर आपसे कंपेयर करने को बोला जाए, देखो इनमें तो कंपेयर कर पाओगे तुम, ये तो ग्रुप में आ गए तो इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इनमें भी कंपेयर कर पाओगे, पीरियड में आ गए, ये अपन डिस्कस कर चुके। लेकिन अगर आपसे इसमें और इसमें कंपेयर करने को बोल दिया जाए, अब ना तो ये एक पीरियड में है ना ही एक ग्रुप में है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना, कुछ नहीं करना, डायगनल बना लो यहां पर, जिस तरफ एरो उसकी ज्यादा, जिस तरफ एरो उसकी ज्यादा, बस। नीचे वाले में नहीं, यही यही ये। डोंट गेट इनटू द रीजन, रीजन है बट डोंट गेट इनटू इट, सिर्फ एग्जांपल लर्न कर लो, ठीक है? क्लियर? सारे केसेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी टर्म समझ में आ गया। अब आती है बारी इनकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ, ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब रिएक्शन होता है, जैसे आप मेटल का रिएक्शन करवा रहे हो, तो मेटल के रिएक्शन में मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व हो गई ना। अब कोई जल्दी लूज करेगा, कोई धीरे धीरे लूज करेगा, तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है, कोई मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेता है और कोई स्टीम से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी में उसका काम ही नहीं चलता। ये सारे वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? ये इनकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशंस ऑफ आई ई एंड ई ए, इन दोनों की एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला, मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर, सबसे पहला एप्लीकेशन है मेटालिक नेचर। अब मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का, है ना? मेटल्स का, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं ना, आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, राइट? तो मेटल का नेचर कैसा? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। लूज करने में इन दोनों में से कौन काम कर रहा है? ये, तो इसमें हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको भूल जाएंगे, ठीक? अब सोच के बताओ, अगर किसी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, अगर किसी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका मेटलिक नेचर,
अगर किसी मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका मेटालिक नेचर ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर, उसकी रिक्वायरमेंट कम है। उसको जरा सी एनर्जी मिलेगी तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो जल्दी रिएक्ट करेगा ना, यानी उसकी मेटलिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उतना ही ज्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके तो रिएक्ट कर रहा है और लूज करना उसके लिए इजी है, उसको कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो मेटल का नेचर, मेटालिक नेचर ज्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये लॉजिक क्लियर? अब इसी बेसिस पर सोच के बताओ, अगर अक्रॉस पीरियड चल रहे हो, अगर अक्रॉस पीरियड चल रहे हो तो मेटलिक कैरेक्टर या मेटलिक नेचर को बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? अगर अक्रॉस पीरियड चल रहे हो तो मेटलिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा? इसको देखो ना, अक्रॉस पीरियड आई बढ़ती है तो मेटलिक नेचर, इसीलिए अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेटल चलते चलते किसमें आ जाते हैं? नॉन मेटल में। मेटल सारे लेफ्ट में है, सेंटर में है, नॉन मेटल सारे राइट में है, तो मेटलिक नेचर क्या होता जा रहा है? कम 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 कम, है ना। तो जब आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो तो आई ई तो बढ़ेगी, और बढ़ने से मेटलिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। यानी जो सबसे लेफ्ट में है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी अल्कली मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अच्छा, डाउन द ग्रुप अगर चलोगे, डाउन द ग्रुप अगर चलोगे तो मेटालिक नेचर, सोचो, टेक अ सेकेंड, डाउन द ग्रुप चलोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और मेटलिक नेचर बढ़ता है। आयनाइजेशन साइज बढ़ रहा है ना, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकलेगा, न्यूक्लियस का ध्यान उससे भटक गया, वो निकल गया तो रिएक्शन हो गया, तो मेटलिक नेचर बढ़ेगा। अगर इस हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा जो सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे, है ना, जो सबसे लेफ्ट में है और सबसे नीचे है, तो सबसे लेफ्ट में सबसे नीचे फ्रांशियम पर, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो उसके ऊपर कौन है? सीजियम। वैसे तो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, पर अगर आ जाता है तो सीजियम फ्रांशियम दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, या तो सीजियम होगा या फ्रांशियम होगा, तो अगर फ्रांशियम ऑप्शन में है तो फ्रांशियम टिक करना, अगर सीजियम ऑप्शन में है तो सीजियम टिक करना। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन में हो भी जाते हैं तो भी लॉजिकली फ्रेंशियम, लॉजिकली फ्रेंशियम, है ना, वैसे होगा नहीं। क्या ये ट्रेंड समझ में आ गए आपको? ठीक है, अब जैसा मेटलिक नेचर है वैसा ही इसका उल्टा नॉन मेटलिक नेचर, और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो किससे लगाओगे अंदाजा पूरा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। जैसे इसमें हमने आई ई का पूरा कंसिडर किया है, नॉन मेटल में क्या कंसिडर करोगे? ई ए। चलो, सेकेंड नॉन मेटलिक नेचर अपने आप करो, अब ये नॉन मेटलिक नेचर, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, अगर किसी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो उसका नॉन मेटलिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो नॉन मेटलिक नेचर ज्यादा होगा। अब इस हिसाब से अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटलिक नेचर, अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटलिक नेचर बढ़ेगा, तभी तो नॉन मेटल सारे राइट में है। ठीक है, नॉन मेटलिक नेचर बढ़ेगा क्योंकि ईए भी बढ़ रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी सिर्फ हैलोजन तक है, याद रखना, नोबल गैस तक मत पहुंच जाना, है ना।
अच्छा, फिर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, नॉन मेटलिक नेचर है, हाँ, डिक्रीजेस, क्योंकि ईए कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है ना, वैसे भी इसका रिवर्स हो जाएगा, मेटलिक नेचर का रिवर्स हो जाएगा नॉन मेटलिक नेचर। क्या ये समझ में आ गया? थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए समझने में, क्योंकि आपने रिडॉक्स अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ लिया क्या? थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा रिडॉक्स कैसे पढ़ लिया बिना, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रिडॉक्स पढ़ लिया, पढ़ा दिए हैं, कौन पढ़ा दिए हैं? योगेश सर ने थोड़ा सा रिडॉक्स पढ़ा दिया, तो कम से कम ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ा दिया होगा, इसके बिना तो क्या ही रिडॉक्स पढ़ाएंगे, तो शुरुआत है ना, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके आगे का ही तो चलेगा, इसके आगे ही चलेगा ना चैप्टर। तो चलो थर्ड एप्लीकेशन आ जाती है रिड्यूसिंग नेचर। तो मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ रखा है, तो आई कैन एक्सपेक्ट सम आंसर्स फ्रॉम यू। शुड आई एक्सपेक्ट, आई शुडंट, नहीं? अच्छा, क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, टेंडेंसी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? पढ़ा है ना रिडॉक्स, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट, एजेंट इज अ वेरी जनरल टर्म, इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है ना, जैसे ट्रैवल एजेंट है ना, ट्रैवल एजेंट क्या करता है, किसी और को ट्रैवल करवाता है या खुद ही घूमता रहता है दुनिया? किसी और को ट्रैवल करवाता है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसी और को रिड्यूस करेगा, जैसे ट्रैवल एजेंट दूसरे को ट्रैवल करवाता है वैसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस करने के चक्कर में खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करने के चक्कर में खुद। तो पहली चीज तो हमें यहां से क्लियर हो गई कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज, इसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ, बस अब आ गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों में से कौन काम कर रहा है, आईई और ईए में से आईई काम कर रही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन काम करेगा यहां पर, आईई। तो अब सोच के बताओ, अगर किसी की आईई ज्यादा है, अगर किसी की आईई ज्यादा है यानी उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, मार डालो मुझे, मारो मुझे, मारो वाला देखा तुमने, मारो मुझे, मारो, वही 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 फील हो रहा है मुझे। अगर किसी की आईई ज्यादा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, मतलब वो परेशानी हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में, दिक्कत आ रही है, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर कम होगा, वो लूज नहीं कर पा रहा ना, इस पूरे प्रोसेस में उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। आपने बोला उसकी आईई ज्यादा है यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा, तो वो रिडक्शन भी नहीं कर पाएगा, यानी उसका रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाएगा। समझ में आया?